हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 6 करेंगे और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है लाइन सेगमेंट। अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स डिनोटेड बाय ए बी बार। ये ऊपर बार आया, एक लाइन है ए और बी, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं। वैसे जब हम नॉर्मल हम क्वेश्चंस करते हैं तो ए बी के ऊपर बार नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है और उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे, डिनोटेड बाय ए बी। ऊपर रे का साइन है ये, कैसे इस तरह से जो लाइन होगी ऐसे डिनोट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही एंड पॉइंट हो, जैसे कि यहाँ पे टू एंड पॉइंट थे, दोनों की तरफ डॉट लगे हुए थे तो इसे आगे नहीं बढ़ सकती। जहाँ पे एक एंड पॉइंट हो यहाँ से आगे नहीं बढ़ाएगी ये, यहाँ से आगे नहीं बढ़ाएंगे इसे हम। और दूसरा, अगर यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है और इस पर इस तरह का साइन डिनोट है तो इसको आगे इंक्रीज कर सकते हैं, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं ए बी के ऊपर ये रे का साइन। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट डिनोटेड बाय ए बी। जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ को हम ए बी बोलते हैं। अ लाइन इज डिनोटेड बाय ए बी, ऊपर ये जो दोनों तरफ एरो का साइन है, इस तरह से हम लाइन को डिनोट करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। एक तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट हैं और अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। मीन्स क्या हुआ, तीन पॉइंट हैं अगर ये एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ हैं, जैसे कि इसी लाइन के ऊपर हैं तो ये कोलिनियर माने जाएंगे, इसी के ऊपर हैं तीन पॉइंट्स। और अगर ये तीनों पॉइंट्स डिफर डायरेक्शन में हैं ऐसे, तो ये कोलिनियर नहीं माने जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एंड पॉइंट। एक ही एंड पॉइंट से टू रेज अगर ओरिजिनेट होती हैं, सो दे मेक एन एंगल। अगर ये जैसे रे है, एक एंड पॉइंट होता रे का, अगर यहाँ से दो रे ऐसे उसने कहा है, सेम एंड पॉइंट से क्या हो रही है, टू रेज ओरिजिनेट हो रही हैं, दे मेक एन एंगल, एंगल बना रही है, यहाँ एंगल बन रहा है। रेज विच मेक एन एंगल कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल, ये जो है इसको आर्म्स कहते हैं हम एंगल की। एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ये जो है एंगल इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। एंड दीज आर द आर्म्स, क्लियर। अब देखिए, ये तो डेफिनेशंस हमने अभी तक किए हैं, कुछ बेसिक टर्म्स। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर, कुछ टाइप्स ऑफ एंगल गिवन है तो पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। पहला आता है एक्यूट एंगल, जैसे कि ये एंगल बना हुआ है एक्स। अगर एंगल एक्स इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री है तो वो एक्यूट एंगल माना जाएगा। मतलब अगर वो 90 डिग्री से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है तो उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। 45, 35, 75 कोई भी एंगल हो, 90 से कम, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। अब आते हैं राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये वाई है जो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका कुछ नहीं है ग्रेटर देन लेस देन, नहीं, ये डायरेक्ट वाई हमारा, ये एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एंगल जैसे कि जेड है, ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो वो होगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। 90 से ग्रेटर हो गया 110 हो गया, 120, 170 कोई भी एंगल इन दो के बीच में जो भी पड़ेगा तो वो हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, क्लियर। स्ट्रेट एंगल, एक सीधी लाइन के ऊपर पूरा ये वाला एंगल बनता है, ये 180 डिग्री का एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, क्लियर। रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल जो हमारा ये टी है, ये जो हमें बताया इसमें क्या कहा है कि ये ग्रेटर देन 180 होगा बट लेस देन 360 होगा। 180 क्या होगा, ये पूरी लाइन के ऊपर ये स्ट्रेट एंगल बना है, ये 180 है, ठीक है। और लेस देन 360, अगर इसको पूरा हम बना देंगे इस एंगल को, अगर हम यहाँ पे पूरा कर देते तो 360 बन जाता है, लेकिन अगर हम इसे हाफ रखते हैं, सिर्फ इतना ही रखते हैं, तो ये हमारा
लेस देन 360 होगा। तो इसमें भी यही बताइए, पूरा नहीं किया इस एंगल को, सिर्फ इतना ही बनाया है, तो ये हमारा 360 से कम होगा। अगर इस एंगल को हम यहाँ तक पूरा कर देते तो 360 बन जाएगा, और इतना जितना ब्लैक पोर्शन जितना एंगल है ये लेस देन 360 है लेकिन ग्रेटर देन 180 है, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स इसी तरह से होते हैं, टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री, जिनका 180 डिग्री हो, दो एंगल्स का सम उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं, और अगर टू एंगल्स का सम 90 हो तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट। टू एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारा एक पॉइंट जिस पे जाके ये मिलते हैं, एंड अ कॉमन आर्म, और दोनों के आर्म भी कॉमन हो, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल होगा। इसका डायग्राम देख लेते हैं इस तरह से। इसमें क्या है कि उसने क्या बोला था डेफिनेशन में, कि कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म हो जाएगी, एक कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, एक नॉन कॉमन आर्म होगी डिफर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन आर्म, जैसे कि यहाँ पे एंगल ए बी सी दिया हुआ है, इसमें एंगल दो बन रहे हैं, ए एंगल ए बी डी और एंगल बी डी सॉरी डी बी सी। ठीक है, दो एंगल बन रहे हैं इसमें, तो इसमें कॉमन आर्म कौन सी हो रही है, बी डी। ठीक है, बी सी एंड बी डी सॉरी इसमें कॉमन आर्म दोनों में, ये इस एंगल में देखिए एंगल ए बी डी ये एंगल बन रहा है, और एक एंगल डी बी सी ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया उसने, तो एडजेसेंट एंगल्स में ये जो डायग्राम गिवन है इसमें हमारे पास ए बी डी और डी बी सी दो एंगल गिवन है, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं एडजेसेंट माने जाएंगे। क्यों, देखिए डेफिनेशन हमने की है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और टू अनकॉमन आर्म मींस की नॉन कॉमन आर्म्स डिफर साइड्स पे होने चाहिए कॉमन आर्म्स की। तो देखते हैं, चेक करते हैं क्या इसमें ऐसा है। चलिए देखिए, दो एंगल्स हैं, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी एडजेसेंट है। क्यों, क्योंकि ये कॉमन आर्म है इसमें बी डी, इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी इज कॉमन आर्म, दोनों में ये आर्म कॉमन है, और जो दोनों साइड्स हैं कौन सी हमारी आर्म है, ए बी और बी सी, ये दोनों हमारी डिफर डायरेक्शन में, डिफर साइड्स में है, आर ऑन डिफर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म, जो कॉमन आर्म है उसके दोनों तरफ डिफर साइड्स में है बी डी के, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है। क्यों, क्योंकि दोनों की से कॉमन वर्टेक्स हो गया बी, और जो कॉमन आर्म है वो है बी डी, और कॉमन आर्म के डिफर साइड पे ये दोनों है एक और ये दो, ए बी और बी सी, ये कॉमन आर्म ये है, तो इस कॉमन आर्म के दोनों डिफर साइड पे हैं ये दोनों, तो ये पूरी एडजेसेंट की जो डेफिनेशन है प्रूव होती है। तो इसका मतलब एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी हमारा क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। क्लियर। नेक्स्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें क्या होता है, लीनियर का एक लाइन के ऊपर जो एंगल्स होते हैं बिल्कुल सीध में, जैसे ये देखिए एंगल ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल एंड डी बी सी इन दिस एंगल, एंगल वन एंड एंगल टू आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इनका दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर, तो इनको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब ये नेक्स्ट हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए टू क्रॉस लाइन्स हैं, इसमें क्या है एंगल ए ओ डी, तो ये वाला जो हमारा मिड पॉइंट है इसे हम एक नाम दे देते हैं ओ, ये ओ दे देते हैं। ठीक है, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी या सी ओ बी, ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अगर मैं कहूँ एक और एंगल बताओ वर्टिकल अपोजिट, तो ये एंगल बन जाएगा एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, कौन से बनेंगे, नेक्स्ट है पेयर बनाओ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी या डी ओ बी, ऊपर से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं।
क्लियर। तो ये हमारी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन एंड कुछ इसके टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें और डेफिनेशंस करेंगे इस चैप्टर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।